हे फ्रेंड्स, तो आज जो है यामा ने अपनी नई वर्सन एफजी की लॉन्च कर दी है। तो लॉन्च जो था वो यहाँ पे अपने बैंगलोर में था, इसलिए मैं वहाँ पर गया हुआ था। तो एफजी की जो है 3.0 वर्सन लॉन्च हो गया। इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि R15 की भी 3.0 वर्सन था, वो लॉन्च हो गया था। तो अब ये एफजी की 3.0 वर्सन है। तो इंजन सेम 150cc इंजन में है। तो थोड़ा सा जो है फ्रेम पे चेंज आया हुआ है, एंड देन कलर स्कीम और डिजाइन थोड़ी सी डिफरेंट है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो और फोटो पे आप देख सकते हो कि डिजाइन चेंज्ड है। ड्यूरेबल एंड पावरफुल 149cc FI इंजन, 140mm रियर वाइड रेडियल टायर विद रियर डिस्क ब्रेक, कंफर्टेबल सिंगल पीस सीट, LCD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED हेडलाइट with separate housings for high and low beam, Bosch single channel ABS, FZS, FI ABS will have two additional features, chrome duct plate and undercowl. We have three colors for the FZS, FI, matte black, dark matte blue, gray and cyan blue color. Besides, FZ, FI, ABS have two colors, metric black, racing blue. Price at showroom in Delhi for FZ, FI, ABS is 95,000 rupees. FZS, FI, ABS is 97,000 rupees. जो मेजर चेंज है वो ये है कि इसमें सिंगल चैनल ABS आता है, जो कि फ्रंट व्हील पे है। सो रियर व्हील को कोई भी ABS नहीं आता है, खाली फ्रंट को आता है सिंगल चैनल ABS। एंड इसके अलावा जो है और दो मोटरसाइकिल उन्होंने अपग्रेड वर्जन डाला है। सो एक है कि R15 की जो है अब वो डुअल चैनल ABS के साथ आ रहा है। सो आगे पीछे दोनों की तरफ ABS है, एंड सिंस आजकल ABS जो है मैंडेटरी हो जा रहा है, तो उसके वजह से हर बाइक पे जो है आने की जरूरत है। LC4V SOHC FI engine, LED headlight and LED tail light, R1 type digital meter with gear shifting timing indicator, color variation for R15 version 3 ABS, Dark Knight is added as a new color. The remaining two colors remain the same, Racing Blue and Thunder Gray. The price of the R15 version 3 ABS for Racing Blue and Thunder Gray is 1,39,000 rupees. Dark Knight color is 1,41,000 rupees. और R15 को यार डुअल चैनल ABS चाहिए था, बिकॉज इट्स अ परफॉर्मेंस बाइक एंड पीपल ऑल्सो राइड इट फास्ट, सो ABS बहुत ज़रूरत था। अपार्ट फ्रॉम दैट, FZ25 को ABS आ गया, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज अर्ली ऑल्सो हैव स्पोकन अबाउट द FZ25, वी कैन कंसिडर इट एज ए टूरिंग मोटरसाइकिल। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज लाइट वेट है, हाँ पावर थोड़ा कम है लेकिन लाइट वेट है, एंड देन यामा की रिलायबिलिटी प्लस स्मूथनेस एंड कंफर्ट भी है वो बाइक पे। बहुत दिनों पहले मैंने एक्चुअली उसका रिव्यू बनाया था, तो उसमें बस एक चीज़ लैक कर रहा था जो मैं लास्ट टाइम ही बोल रहा था कि उसमें ABS आना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। सो थैंकफुली यामा हैज फाइनली कम अप विद ABS एंड दिस हैज गॉट डुअल चैनल ABS। आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक्स है एंड डुअल चैनल ABS है। सो नाउ आई थिंक एज अ पैकेज, अगर आप देखोगे, अगर आप लोगों को टूरिंग के लिए एक बाइक चाहिए जो आप जो जिसकी बजट 1,60,000-65,000 ऑन रोड पे आएगा, तो आई थिंक यू कैन कंसिडर यामा की FZ25। सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, यही अपडेट आपको देना था। अब बाइक्स जो है शोरूम पे आने के बाद हम लोग जाएंगे, एक टेस्ट राइड करेंगे, एंड करके मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फीडबैक क्या है, वो चलाने के बाद थोड़ा डिटेल आप लोगों को दे सकते हैं। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, या नेक्स्ट बहुत सारा बाइक्स आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।